जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। गुरु संगत को सबको मेरी तरफ से गुरु जी की तरफ से प्रणाम। संगत जी, गुरु जी के बारे में कुछ कहना ये भी बहुत ही एक मुश्किल काम है, पर जब गुरु जी की मर्जी के बगैर ये भी सब कुछ नहीं होता। मैं खाली इतना आपसे कहूंगी कि कैसे मेरी ये जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई। मैं एक्चुअली में बहुत डिफरेंट तीर्थ स्थानों पे बहुत दफा गई और जाती रही और जाती थी, पर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी छोटी बहन जुन्सी हैं, वो गुरुजी के साथ बहुत पहले से जुड़ी हुई थी। तो एक दिन उन्होंने, दैट वाज इन ईयर 2000, और उसके मुझे वो आई मेरे पास और बोलने लगी कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ गुरुजी के, हमारे गुरुजी के पास चलो। तो मैंने उसको क्योंकि ऑनेस्ट बहुत मना किया, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं किसी और गुरु उधर नहीं जाना मांगती। और वैसे भी मैंने उसको बोला आज मेरी तबीयत थी, मेरा पेट थोड़ा ठीक नहीं है, तो तुम ना रहने दो। पर उसने बहुत इंसिस्ट किया और बोलने लगी नहीं नहीं तुम चलो। सो फिर मैंने सोचा ये भी कोई गुरु जी की, बिकॉज मैं मानती बहुत हूँ गुरुओं में, और फिर मैंने बोला अच्छा मैं चलती हूँ। फिर मैं उसके साथ जी संगीत जी वहां पे पहुंची गुरु जी के पास, तो उसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया और बोला गुरु जी ये मेरी वड्डी बहन है। गुरु जी ने देखा वो तो जैसे ही आई थिंक जो अंदर आता है एकदम से अगली की स्क्रीनिंग हो ही जाती थी, तो कहने लगे कि चंगी है आया करो। तो दीज वर द पहली उनके दो वर्ड जो उन्होंने मुझे कहे। और फिर उसके बाद जब उन्होंने उन दिनों में एम्पायर स्टेट में जब प्रसाद सर्व किया जाता था, तो जब बारी आई तो देखा तो इतनी बड़ी बड़ी जिनो साइज की अमृतियां वो थी एज अ प्रसाद, तो उनका हाथ इतना सा और उन्होंने ऐसे उठाई और हमारे दो हाथ और हाथ दोनों भर गए। तो जब मैंने उनको देखा मैंने कहा मेरी तो पेट ठीक नहीं है, तो अपने दिल में सोचा ये मैं कैसे खाऊंगी। तो मेरी सिस्टर वो थोड़ी सी तो बोलने लगी कि नहीं तुम चुप करके खा लो, थोड़ा सा गुस्से में बोली थे खा लो तुम कुछ नहीं होता। तो मैं बाहर गई उनको खा लिया, खा के अंदर आ गए, अंदर बैठे। थोड़ी देरी के बाद फिर गुरु जी ने की नजर पड़ी मेरे ऊपर और फिर वो ऐसे करके उंगली से बुलाते थे, उन्होंने मुझे बुलाया और फिर उन्होंने उठा के और अमृतियां मेरे हाथ में दे दी। और जब मैंने वो ली तो मैंने कहा ओह अब क्या होगा पता नहीं। फिर एनीवे मैं बाहर गई तो उनको भी खा लिया। आप मान नहीं सकते उसके बाद चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद सब कुछ खा लिया और मुझे पता ही नहीं चला, महसूस ही नहीं हुआ कि मैंने कुछ खाया भी है। सो ये एक सबसे पहला मेरा एक्सपीरियंस गुरुजी के पहले दिन साथ में था। एंड फिर उसके बाद मैंने गुरु जी के पास जाना शुरू किया। और ये भी तब था कि मेरी सिस्टर एक्चुअली मुझे कहने लगी कि उस टाइम के देखो बीइंग इंसान के नाते सारी सब लोगों के दिमाग चलते हैं और सोचते हैं ऐसा क्यों और ऐसा क्यों नहीं, तो देयर वाज एक रीजन था पीछे जिसमें वो मुझे लेके गई। और कि किसी और को गुरु जी एक्चुअली जब जो कहना मांगते थे वो तो एकदम से मुंह पे कह ही देते थे। सो एनीवे उसके बाद जी मेरे सिस्टर के बच्चे जैसे मुझे मासी बुलाते थे, तो एक दिन मैंने देखा तो गुरु जी मुझे मासी बुलाना शुरू कर दिया। तो तब से गुरु जी हमेशा अब भी जब भी कभी ध्यान में आते हैं या कहते हैं तो मासी ही बोलते हैं। एंड फिर उसके बाद जी उधर बैठना, तो उधर बैठ के एक ध्यान में बैठना और कुछ नहीं मांगना, खाली उनकी ब्लेसिंग ही हमेशा होती थी साथ। एक दिन उन्होंने मेरे को बुलाया और बोला मासी की काम कर दिए।
सो जानती तो सब कुछ थे, तो मैंने बोला गुरुजी मैं इस तरह ज्वेलरी विच काम कर दिया, डायमंड्स या जो भी सिका अपना, मैंने ना बिजनेस कार्ड ले आते थे। आई वेंट होम एंड द नेक्स्ट टाइम, दूसरे दिन जब मैं आई तो मैंने गुरुजी के आगे अपना बिजनेस कार्ड दिया। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कि वो महीना और उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कितनी बिजी थी काम में, और इतना काम कि मैं आई कुडंट इवन अंडरस्टैंड। और मेरे बाहर के ट्रिप्स, बाहर जाना, फॉरेन जाना आना, तो ये सब कुछ ज्यादा ऐसे ही गुरु जी की कृपा से ही सब कुछ हुआ। तो एक दिन ऐसा भी हुआ कि मैं एक्चुअली जैसे भृगु संस्था होती है एंड ऑल दैट, तो किसी ने उस टाइम पे यंग थे तो मैंने बोला चलो ये भी वेंचर कर लो, यहाँ पे भी देख लो। तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला, मैंने कहा मैं पता है कि मैं ऐसे ऐसे किसी भृगु उधर गई थी, तो वहां पे मेरी पास्ट लाइफ के बारे में मैंने ऐसे सुना। और उसने बोला कि मैं पिछले जन्म में मतलब ऐसी सिख फैमिली में थी या पटियाला की फैमिली में थी, समवेयर इन पटियाला। तो ऐसी बातें हुई सारी और तो बात खत्म हो गई। दूसरे दिन जब एम्पायर स्टेट गए तो पहले मेरी सिस्टर पहुंची और गुरुजी ने उसको देखकर बोलना शुरू कर दिया कि ओ किथे है मनिंदर, किथे है मनिंदर, किथे है। कि मेरी सिस्टर ने बोला कि गुरुजी किसने बुला रहे हो तुसी, कि कहते मासी ने बुला रहे हैं। पीछी एक दिन वो खड़ी हो गई, खड़ी की खड़ी। तो मुझे जब मैं आई तो मुझे कहती है गुरुजी ने ना तेरा, वो सब जानते हैं कि प्रीवियस जो उनका बर्थ था तो उन्होंने तो तेरा नाम भी पुराने जन्म का वो भी तेरे को बता दिया। तो मैं भी सुनी बड़ा हैरान हम दोनों। तो उसके बाद जी मतलब इतने एक्सपीरियंसेस गुरुजी के साथ कि समझ नहीं आती कहाँ से शुरू और कहाँ इसको एंड करें। पर फिर एक दफा 2001 में की बात है, अभी मैं तराई के घर पे ही रहती थी, सो आई हैड लिटिल प्रॉब्लम्स अपने घर में। एंड फिर किसी ने ऐसे ही घर में बैठे थे बोला कि तुम क्या सोचती हो कि तुम्हारा, तुमको अगर घर लेना है तो तुम्हें यहाँ से तो कहीं अपने उधर से तो नहीं मिलेगा। तो मैंने आप माने कि मैं उधर ही बैठी, मैंने एक आंख अपनी दोनों आंख बंद करी और मैंने एक अरदास करी। मैंने कहा हे वाहेगुरु, हे गुरु जी अभी तक तो रखवाले आप ही रहे हैं और ये घर भी तुमसा है, आप ही मुझे देंगे और मैं कोई जल्दी में नहीं हूँ, जब आपका दिल करे आप मुझे तभी देना। बस इतना ही मैंने कहा और आई जस्ट लेफ्ट इट। फिर उसके बाद एक्चुअली मैं भूल भी गई इस बारे में, पर फिर कोई 3 महीने में अभी गुजरे होंगे कि मुझे एकदम से उन्होंने थॉट डाला कि अब तू थोड़ा फ्लैट या घर देखना शुरू करने के लिए। तो मैंने थोड़ा हिसाब जोड़ा तो मैंने कहा पैसे तो अभी इतने तो मतलब है नहीं, तो इतना ये सब कुछ ऐसे कैसे होगा। पर आप माने कि नहीं, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, जो भी लिल बिट सेविंग्स उनसी थी उन्हीं को मैंने अभी हाथ में रखा और मैं गई देखा। एंड जब मैं इस पर्टिकुलर जिस घर में मैं रहती हूँ गुरु जी की कृपा से, तो जब मेरे को ब्रोकर ने घर दिखाया तो मैं अंदर गई और मैंने, नया ही घर था तो जब मैंने देखा एक बेडरूम में कोई गुरुओं की फोटो लगी हुई थी और वो देखकर ही मेरे एकदम से दिल में आया, मैंने कहा ये घर ये गुरु जी का ही है। और मैंने बातचीत करनी शुरू करी के ब्रोकर से कि कितने में
बट आप मानेंगे नहीं, वो एक ऐसा टाइम था जब प्रॉपर्टीज ऑल टाइम लो हुई हुई थी, और इनके भी जो से ये जिनका घर था वो यहाँ के नहीं थे, एनआरआईज थे। सो उनको भी कोई इतना खास वैसी वो नहीं थी जल्दी बेचने की, बट मुझे पता चला कि 2-1 साल पहले उनको इसका सर्टन अमाउंट मिल रहा था, विच वॉज मच मच मोर देन व्हाट द रेट वॉज गोइंग इस टाइम पे। फिर भी मैंने ऑफर दी तो ब्रोकर ने या तो मेरी सुना नहीं, पर वो कहता है वो जानता था उससे मैं बात करता हूँ और आपको फिर मैं बताता हूँ। जब वो वापस आया तो उसने मुझे 2-4 दिन के बाद मिला तो बोलने लगा कि ये घर की भी वो एग्री कर गई हैं और वो इतने पैसे मांगते हैं। तो जब मैंने सुना, पैसे तो जो मैंने एक्चुअली मुंह से निकाले थे उससे भी कम, और मैं फिर भी 2 मिनट के लिए चुप कर गई। तो उसने सोचा कि शायद मुझे ये पैसे भी ज्यादा लग रहे हैं। अब ये देखो गुरुजी की करनी। और फिर वो मुझे बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं दोबारा बात करता हूँ, आपके घर में अभी ये चीज नहीं है, बिजली नहीं, पानी नहीं, जो भी है। तो मैं खाली ये कह रही हूँ कि सब कुछ इतना पता नहीं कहाँ से और कैसे कट 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 होते होते एंड इट केम टू बेयर मिनिमम। और मैंने उसको बोला, मैंने कहा अच्छा तो पर मैं उनको पैसे थोड़े बाहर भी चाहिए। तो बोलने की हाँ कोई बात, आपकी मर्जी है, आपने जैसा, मतलब कि मुझे पूरी छूट थी एज इन हाउ टू डू द पेमेंट। मेरा मतलब ये कि मेरी तो समझ से ही थोड़ी बाहर था कि ये सब कुछ ये क्या हो रहा है और ये चलो कैसे हो रहा। तो मुझे मालूम है कि गुरुजी के बगैर और कुछ हो ही नहीं सकता। सो देन इन द मीन टाइम फ्रॉम ऑल एंगल्स, मतलब आई डोंट वांट टू गो इनटू टू मच ऑफ डिटेलिंग, बट मैं खाली ये आपको संगत जी बोलना मांगती हूँ, आपके पास कुछ हो या ना हो, पर अगर आपका विश्वास एक अपने गुरु में है, वो कुछ भी कर सकते हैं। मेरा उस दिन से और आज तक का एक्सपीरियंस लाइफ का इतना है कि जितनी भी बात करो उतना कम, सब कुछ उन्हीं से रिवॉल्व करता है। वो समझते हैं और वो आपका इम्तिहान भी लेते हैं। ये नहीं है कि खाली एक दफा आप आगे तो उन्होंने सब कुछ तुम्हारे हिसाब से करते रहने, नहीं। मुझे याद है कि एक दफा गुरुजी ने रात का टाइम था तो उनको शौक तो बहुत थे, तो वो उन्होंने मुझे मेरी सिस्टर के थ्रू मैसेज भेजा कि मासी नो भी कहो आन वास्ते, तो एक डिनर के ऊपर। तो वो था नोएडा में और मैं इस तरफ साउथ दिल्ली रहती, और मुझे लेट एक्चुअली मालूम पड़ा तो मेरा ड्राइवर मतलब नहीं था, तो मैं जाना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला, मैंने कहा बहुत मुश्किल है आना, तो वो थोड़ी नाराज हुई और बोलने लगी कि गुरुजी क्या सबको थोड़ी बुलाते हैं, तो तुम समझती नहीं और ऐसे। तो मैंने ये बात सुनी बट आई वॉज रियली बहुत ही हेल्पलेस। मैंने बात उसे जब बंद करी तो मैं हल्का सा अंदर से मुझे घबराहट हुई, पर मैंने फिर बोला मैं गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ती हूँ, तो मैंने उठाई और मैंने पाठ करना शुरू किया। मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता मैं ठीक कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, पर जो भी है आपके सामने सब कुछ है, और ये कह के पढ़ के तो मैं सो गई। दूसरे दिन मतलब वो तो मतलब बहुत ही गुरुजी मीन्स वो उस टाइम पे ऐसा था कि वो अभी भी ऐसा ही है कि कहने की बात होती थी तो वो हमेशा चाहती थी कि गुरुजी की बात बिल्कुल मत डालो। और फिर ऐसा हुआ कि दूसरे दिन उसकी फोन मुझे आई तो मुझे बोलने लगी कि तुमने ठीक नहीं किया। तो मैंने भी थोड़ा अपने दिल से बोल दिया, मैंने कहा मेरा ना मेरे गुरु के साथ ना डायरेक्ट कनेक्शन है और मैं अपने गुरु को अगर मिलना चाहूं मैं कहीं पे भी उनको मिल सकती हूँ। पर कैसे ये बात मेरे मुंह से निकली, संगत जी आप मानेंगे नहीं, एक दिन के बाद मैं यहाँ पे लोकल मार्केट में गई अंसल प्लाजा, और गई किसी और कारण थी,
जैसे ही मैं अंदर कॉरिडोर उधर पहुंची तो सामने से किनको देखा, गुरुजी चलते आ रहे हैं। आप मान नहीं सकते, मेरे तो उनको देख के गांठे खड़े हो गए और मैंने उनको नमस्कार जब किया, मैं आज तक उनकी वो स्माइल है मैं भूल नहीं सकती। इतनी ब्यूटीफुल स्माइल ही गेव मी, और मैंने ऐसे प्रणाम किया उन्होंने दो दफा मुझे, और फिर मैं जहां गई मैं तो वहीं पे बैठ गई। मैंने कहा श्री वाहेगुरु, ये तो अभी तो मेरे मुंह से ये बात निकली थी, एंड दे गुरुजी। सो कहने का मतलब ये है कि ये आपकी इंटेंट्स हैं जो उनसी, यू नो हाउ स्ट्रॉन्गली यू हैव अ बिलीफ एंड दैट थिंग, ये जो सी चीज है, ये ही एक कनेक्टिविटी है जो आपको हमेशा आगे लेके जाती है। तो गुरु जी के आगे इतना कुछ, और फिर दिन जब मेरी सिस्टर गई दूसरे दिन बाय स्टेट, तो गुरु जी ने उसको देखा और बोला, कुकी आंटी मासी मिली सी ती, शी सेड हां जी गुरु जी उन्हें मैंने दसिया है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वो बिल्कुल उस टाइम पे ये समझ आई, मुझे तो ये समझ आई कि गुरु जी भी एक तुम्हारा डेफिनेटली एक इंतजाम लेते हैं। He wants to know आप अंदर से कहां स्टैंड करते हो उनके साथ। So, संगत जी हमेशा उनके साथ एक जो उनकी कनेक्टिविटी है वो हमेशा अंदरूनी फ्रॉम योर इनर सेल्फ जो उनसा है वो ही है, और उससे ऊपर कोई कनेक्टिविटी है ही नहीं। फिर गुरु जी के साथ मौज भी बहुत करी, उनके साथ चंडीगढ़ शादी अटेंड करी, और मुझे तो लगता है कि इनसे ज्यादा लिबरल कोई और गुरु किसी को मिल ही नहीं सकते। बिकॉज मुझे याद है हम लोग ऐसे चंडीगढ़ जब उनके साथ गए शादी एक अटेंड करने, शाम का टाइम था तो ओपन में बहुत अच्छा सब अरेंजमेंट था, तो सारे बैठे तो गुरु जी ने तो देखा, आई थिंक देखा, उधर बाढ़ भी लगी हुई थी, और उन्होंने बोला जाओ फिर जिन्हें, मतलब व्हाट ही मेंट वाज जिन्होंने पीनी है या एक एक ड्रिंक अपनी ले लो। सो व्हाट आई एम सेइंग के कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, बट जहां पे ही वांटेड किसी को रोकना या उस चीज से हटाना, फिर वहां के लिए उसके लिए फिर सब कुछ वो डायरेक्ट ही बोला करते थे। एंड सो ये गुरु जी की इतनी बातें हैं कि क्या बोलो। देन आई रिमेम्बर एक दफा मेरी फ्रेंड अब्रॉड से वहां से आई, और उसके एक्चुअली में मुंह में एक अल्सर था विच हैड कन्वर्टेड इनटू अ कैंसर। तो वो अभी अमेरिका से ट्रीटमेंट करा के ही आई थी, तो मेरे पास आई है, तो उस टाइम तक आई थिंक गुरु जी ने महासमाधि ले ली थी, और वो अपना मुंह मतलब खोल भी नहीं सकती थी कुछ खाने के लिए। तो जब इधर आई तो फिर हमने कहा कि और तो कोई जगह नहीं है, बट आई टोल्ड हर कि भाई हम बड़ा मंदिर चलेंगे और तुम वहां पे लंगर प्रसाद और इसका सर्विंग करो, और आई एम श्योर समथिंग डेफिनेटली वुड वर्क। तो जब हम उधर गए तो उसको सेवा दी गई, एंड उसके बाद जब चाय प्रसाद ये तो वो तो बोले कि मैं तो अपना इतनी गर्म है मैं अपना मुंह नहीं खोल सकती, और समोसा प्रसाद था तो बोला नहीं तुम जैसी भी है थोड़ा थोड़ा करके सिप करके और समोसे को तोड़ के वैसे उसको खाओ। Somehow the other वो उसने खा लिया, और आप मानेंगे जब हम घर आए अभी एक घंटा भी नहीं हुआ था, suddenly she felt कि the twitching in her lip और जो भी वो हो रहा था, तो उसने देखा आस्ते आस्ते मतलब इतना इंस्टेंट उसका असर हुआ कि वो दिन और आज का दिन अगर उसको कोई तकलीफ भी लिप पे हुई हो। सो गुरु जी, और ये नहीं कि अगला गुरु जी को उस टाइम पे मानता था, वहां पे गुरु जी के दरबार गुरु जी के मंदिर
मतलब नॉट नेसेसरी के तुम पहले से गुरु जी को जानना जरूरी है और तभी सब काम होते हैं, नहीं, आपका वहां एक जाना ही बहुत बड़ी बात है और उधर का लंगर खाना वो उससे भी बड़ी बात है। सो संगत जी इट्स फिर एक इंसिडेंट और बड़ा ही व्हाट आई फील इज बहुत महत्वपूर्ण कौन सा मुझे लगता है वो ये है कि एक दफा हमारे यहाँ दिल्ली में हमारे फ्रेंड्स हैं और वो पाकिस्तान के हैं और वो विजिट कर रहे थे, तो जैसे वो सूफी सिंगर तो उनके लिए उन्होंने बोला कि हम बंगला साहब भी जाना मांगते हैं और गुरुद्वारे और मंदिर हनुमान मंदिर सब तरफ दर्शन करना मांगते हैं। फिर तब ऐसा हुआ कि मेरी सिस्टर आई थी तो उन्होंने बोला आप हमारे मंदिर चलेंगे, तो ही हैड नो क्लू, तो उन्होंने बोला हाँ जरूर। तो हम उसी दिन शाम को बड़ा मंदिर गए, जब हम बड़ा मंदिर गए तो उन्होंने बोला कि रात का डिनर तो कहीं पे है पर हम चाय प्रसाद जो भी मिलेगा वो जरूर मतलब लेंगे। हम उधर पहुंचे, उधर शब्द कीर्तन एज यूजुअल जो था वो चल रहे थे और ये मैंने देखा आंख बंद करके उधर बैठे हुए और चाय ली, चाय प्रसाद लिया और उसके बाद थोड़ी देर एक आध घंटा बैठ कर तो आ गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग मुझे फोन आती है, तो बहुत ही ज्यादा जैसे एक्साइटमेंट कह लो या वैसे उसमें कि मुझे कहते हैं कि मुझे तो सपने में हम जब रात को गए थे वो गुरु जी का हमने देखा तो वो तो मुझे सपने में आए हैं और सपने में आकर उन्होंने मेरे लिए गाना गाया है और गाना भी उसी टोन में गाया है जोन सा वो शब्द बज रहा था और उस गाने के जोन से वर्डिंग से वो लाइक कि देर तो करी व्हाट ही मेंट वाज पर तुम आ गए। तो कहने का मतलब दैट वाज द फर्स्ट ड्रीम दैट ही गॉट। उसके बाद लगातार चार दिन गुरुजी उनके ड्रीम में किसी न किसी रूप में और उसको क्या कुछ दिखाया और चौथे दिन मुझे कहता है कि मैंने ना ये तो कोई मुझे तो समझ नहीं आई पर ये कुछ है और मैं इनके ऊपर कुछ लिखना मांगता हूँ और ये भी लिखवाने वाले भी कौन, गुरुजी आप ही। तो ही वाज अ लिरिक राइटर एंड उसने उन गुरुजी के ऊपर गाना लिखा। तो फॉर्चुनेटली एक सत्संग था मेरी डॉटर के लॉस के घर में, तो वहां पे हम गए तो ये भी उधर आए तो बोलने लगे कि उन्होंने सत्संग अपने सारे सुनाए कि ऐसे ऐसे गुरुजी मेरे 5 दिन से मेरे पास हैं और मेरे सपनों में रोजाना मतलब इज कमिंग। तो फिर उसने गाना गाया, मैं कहती हूँ इतने अच्छे वर्डिंग, जिस इंसान को गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता और उसने ऐसा कुछ लिखा उनके लिए कि अल्टीमेटली बड़ा मंदिर में गए और ही वॉज वेरी वेल ऑनर्ड और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी आप लिखिए तो हम आप एक सीडी बनेंगी, बट अनफॉर्चुनेटली एज इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप तो ही वेंट बैक। जब वापस गए तो कहते कि मैं तो इतना रेस्टलेस हूँ कि मैंने तो 7 गाने गुरुजी के ऊपर लिखे हैं। अल्टीमेटली अपनी कंट्री से बाहर जाकर उन्होंने उसकी रिकॉर्डिंग करी करवाई और फिर एक ट्रिप इंडिया दोबारा लगा। तब जब वो आए तो वो गाना बड़े मंदिर में मतलब रिकॉर्ड दिया गया। संगत जी आज भी अब तो लॉकडाउन है पर जब पूरा सब कुछ चलता था तो उनके 2 गाने उधर जरूर बजते हैं, पर इसके अलावा आज भी गुरु जी उसके साथ इतना है, एक एक चीज अभी ही इन पाकिस्तान मतलब उसको गाइड करते हैं और इतना कुछ साथ में। देखो मैं तो खाली एक बात बोलती हूँ कि जब गुरु जी कुछ देते हैं और उसके साथ वो एक
तुम्हें एक स्पिरिचुअल एक मैसेज भी कन्वे कर देते हैं। अभी पीछे की बात है कि ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ जैसे कलेक्टिंग कार्ड्स। तो गुरुजी सपने में आए, गाड़ी खड़ी है, गुरुजी आके खड़े हैं गाड़ी के, उसको बोलते हैं ये लो। और संभव ये भी एक बड़ा सत्संग था उसका अपना, बहुत ही मतलब इट वॉज अमेजिंग सत्संग। तो जब वो दिया तो उसको गाड़ी जब मिली तो गुरुजी फिर आते हैं और कहते हैं तुम अगर जब आओगे मेरे पास इसको साथ लेके आओगे। कहने का मतलब ये है कि मटेरियल चीजें वो एक तंचे हैं वहां पे तुमको कुछ भी देने के लिए, बट येट वो क्या चाहते हैं ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सब कुछ मटेरियल नहीं होता। तो कहीं ना कहीं आपको तुमसे अपनी ग्रोथ के लिए चीजें चाहिए हैं, वो है स्पिरिचुअल। एंड उसके बिल्कुल जी की ऐसे है कि आज तक इवन कोई भी उनके पास आया है, पहली दफा आया या 10 दफा भी गया, उनकी हर संगत के पास कुछ ना कुछ शेयर करने के लिए 100% है। ऐसे ही एक और हमारी फ्रेंड है, बाहर रहती हैं, तो वो भी उन्होंने भी बहुत सुना, बट उसी कभी कभी ये होता है कि थोड़ी सी इनहिबिशन अंदर रह जाती है कि ठीक है या नहीं ठीक। तो मैं यहाँ से दिल्ली से जा रही थी तो मैंने बोला कि मैं आऊंगी तो वहां पे आपके घर में हम गुरुजी का सत्संग करेंगे। तो उस टाइम पे इन्होंने बोला हाँ हाँ जरूर, तो तुम जो चाहिए तो लेके। मैंने कहा हाँ मैं साथ लेके आऊंगी। आप जाने से पहले मैं गुरुजी का स्वरूप एक मैंने सोचा साथ में लेके जाने के लिए, तो मेरे माइंड में था कोई एक बड़ा साइज का। तो फिर भी कुछ मुझे अंदर से इतनी गुरुजी की कोई वो नहीं आई, तो मैंने कहा आई डोंट थिंक कि ही वांट्स कि भी ऐसे इतना बड़ा साइज हो। तो नेक्स्ट डे मैं मेडिटेशन में अपने गुरुजी के साथ जब बैठी तो साथ में था, उन्होंने मेरे माइंड में ये थॉट डाला कि ये एक जो सा स्वरूप पड़ा है ये ले चलो। मैंने ऐसे देखा तो मैंने कहा ओह ठीक है, और साथ में मुझे ये भी थॉट डाला कि वो इतना बड़ा कहाँ की संभालती फिरेगी। जैसे गुरु जी नोज कि जो जो बंदा है उनके कहाँ तक मतलब हैसियत वो है कि चीज रखने की या संभालने की भी कह लो, या उनको कहाँ तक मानने की। सो जब मैं उधर पहुंची उधर गई तो रोजाना दूसरे का हफ्ता निकल गया, 10 दिन निकल गए, तो सोचते ही रहे कि आज रखते हैं कल रखते हैं, पर समहाउ द अदर कोई बात इतनी हुई नहीं। पर एक दिन आई स्टिल रिमेम्बर इट वाज द क्रिसमस डे, तो वो अपने बच्चों को मिलने जा रही थी, बोला आप चलेंगी? मैंने कहा नहीं नहीं मैं घर पे ही हूँ आज आपसे। तो मैं जब वो चली गई सुबह तो मैं उठी, तो उठ के जैसे ही आया रशा तो मैं बाहर आई तो मुझे अंदर से एक आवाज सी आई, एक थॉट जैसे क्रिएट हुआ कि चलो चलो तू ना सत्संग कर, सत्संग रख। तो मैं ऐसे 2 मिनट खड़ी हुई और मैंने सुना और मैंने कहा अच्छा गुरु जी मैं कैसे उनसे बात कर रही हूँ। तो आई वेंट रनिंग डाउन टू द ड्रॉइंग रूम, आप मानेंगे नहीं कोई नहीं बट फॉर अनदर मेट देयर। तो मैंने फटाफट लेके गुरु जी का दरबार सजाया, उनके सीख ली, तो जो सामान मैं लाई हुई थी वो सजाया और फूल पत्ती सब कुछ लगा के फिर मैंने कहा कि मैंने तो कोई शब्द कीर्तन की टेप तैयार नहीं करी है। तो अगेन ही पुट अ थॉट इन माय माइंड कि यूट्यूब में लगाओ। तो मैंने यूट्यूब ऑन कर दिया, जब यूट्यूब पे पहला ही शब्द था तो शब्द था चिंता के ऊपर, और ये मेरी फ्रेंड चिंता भी बहुत करती रहती है। फिर मैंने कहा गुरु जी मैं फटाफट में चाय प्रसाद बनाया और रखा। कहने का मतलब ये कि जब मैं वहां पे बैठी उनके सामने एंड यू वोंट बिलीव इट आई कुड सी आई कुड विजुलाइज कि गुरु जी इज ऑल अराउंड हर हाउस ब्लेसिंग हर। कहने का मतलब फिर मैंने उनके
खाने का भी भोग लगाया एंड मैं बैठूं उनके सामने और मैं रोऊं भी, मैंने कहा गुरु जी इस तरह बेस्ट। और फिर उसके बाद शाम के टाइम की जब मुझे फोन आई तो मैंने बोला आपको पता है आपके घर में ना सत्संग हो गया है, तो वो कहती है कैसे, मैंने कहा बस ऐसे गुरु जी आ गई एंड संगत जी। उसके बाद वो मेरी फ्रेंड, वो इतनी कनेक्टेड हैं कि उनको इतना सा भी कुछ होता है ना तो गुरु जी इज जस्ट देयर। सो कहने का मतलब ये है कि गुरु जी के ये सारे तरीके हैं कि जरूरी नहीं है कि एक नॉर्म चल रहा है तो इट हैज टू मतलब उसी हिसाब से सब कुछ चलेगा, नहीं, जैसे जैसे गुरु जी चाहते हैं अगर हम ये बातें समझ जाएं और उनके कहे पे और उनके थॉट जो उनसे दिए जाते हैं दोज आर वेरी 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 इम्पोर्टेंट। सो दीज आर द थिंग्स दैट वन हैज टू नो एंड वन फील्स एंड मोर देन एनीथिंग एल्स गुरु जी तो एक एक्सपीरियंस ही है। जब तक आप उनको एक्सपीरियंस नहीं करते आपको कुछ भी बात का समझ नहीं आ सकती। और हर संगत जो उनसे गुरु जी के साथ जुड़ी हुई है सबके अपने अपने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं। ये नहीं कि आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो आपके साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये भी बात कभी भी दिमाग में एक्चुअली आनी ही नहीं चाहिए। अब लॉकडाउन नाउ द पीरियड कौन सा चल रहा है एंड वेरी ऑफन मैं गुरु जी के पास रोज ही, खैर वो तो मेरी नॉर्म है बैठना और थोड़ा सा अरदास करनी हर रोज और एक उनसे परमिशन जरूर लेनी है अपने दिन को चलाने के लिए। सो मैंने एक दफा ऐसे ही थॉट आया दिमाग में तो मैंने बोला, मैंने कहा आई थिंक जैसे अभी लाइफ चल रही है, दिस वाज बिफोर लॉकडाउन चल रही है, ऐसे तो मुझे नहीं लगता कि कोई हम इतनी ज्यादा भक्ति और ये चीज कर रहे हैं जहां हमें कोई इतनी मतलब कुछ खास प्राप्ति जाने के बाद हो। तो लोग तुमसे पुराने जमाने के कह लो या वैसे भी इतनी भक्ति करनी पड़ती है टू अचीव समथिंग। अचीवमेंट क्या है, कोई अचीवमेंट वैसे नहीं है बट इट्स दैट यू थिंक ऑफ अ मोक्ष। सो आई फील के अब जैसे लॉकडाउन हुआ है कि लॉकडाउन का टाइम गुरु जी ने ऐसा दिया है कि अगर हम इस टाइम पे हमने एक्चुअली में भक्ति नहीं करी सो ये हमारी गलती। और मुझे डे वन से उन्होंने ये थॉट मेरे दिमाग में डाला कि हम पे कुछ करना ही नहीं है कि रोज ही उसे सत्संग कराएंगे। संत जी 9 महीने से ज्यादा हो गए, दरबार घर में सजा, गुरु जी की मर्जी, हम तो कुछ है नहीं गुरु जी के आगे। बट एवरी सिंगल डे घर में सत्संग होता है एंड उसके अलावा एक रोज एक मैसेज एक थॉट दिमाग में डालते हैं फॉर आवर स्पिरिचुअल ग्रोथ। पर मैंने जो उनका एक्सपीरियंस अभी किया है वो ये है कि उनके साथ ध्यान में बैठना सबसे ज्यादा जरूरी है। ध्यान में मीन्स हम शब्द कीर्तन भी सुनते हैं उस टाइम भी ध्यान में जाते हैं पर एक अलग टाइम निकाल कर जहां पे 1-to-1 वे यू हैव सोल टू सोल कनेक्टिविटी एंड दैट इज द थिंग। और वो एक टाइम हो रहा है जब गुरु जी आपको कितने नजारे दिखा देते हैं। संगत जी
बहुत कुछ है, बहुत कुछ सीखा है और ये टाइम सुन सा है. आई थिंक दिस इज द बोनस टाइम गिवन टू वन एंड ऑल. और इतनी इस टाइम के में जो सब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोई काम नहीं बिकॉज एवरीथिंग हैज कम टू स्टैंड स्टिल. पर जैसे उन्होंने स्टेबल रखा है योर माइंड योर बॉडी, कि इतना सा भी थॉट जो सा है नेगेटिव कह लो नेड़े नहीं आने देते. ऐसे लगता है कि ऑल द टाइम तुम फ्लाई हाई कर रहे हो. मैं तो खाली इतना जानती हूं कि जब गुरु तुम्हारे पास है उससे ज्यादा अमीर इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता. ऑल द रिचेस ही इज द वन हु इज द गिवर. और अगर उनको तुमने संभाल लिया, आपने सब कुछ पा लिया, उनके अलावा कुछ नहीं है. ये जर्नी है लाइफ की और इस जर्नी में ये नहीं है कि हम और जगहों पे भी जाते थे. हर जगह जहां जहां भी गए हैं वो एक स्टेपिंग स्टोन था, पर अल्टीमेट जो सा है, अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट अचीवमेंट, अल्टीमेट ऑफ एवरीथिंग इन लाइफ इज ओनली आ गुरुजी. रेस्ट एवरीथिंग बी एंजॉयड. सब तरफ से प्राप्ति हुई है पर जो सी यहां पे प्राप्ति है उसका तो कोई तुम बयान नहीं कर सकते. गुरुजी हर दम हर मिनट हर वक्त जब बुलाओ ही इज देयर. इनफैक्ट आज सुबह की ही बात है, एक और हमारे फ्रेंड्स हैं, वो अभी एक महीना पहले मेरे पास आई विजिट करने के लिए. तो ऐसे ही देखा घर में दरबार सजा हुआ है, तो मुझे कहने लगे कि मैंने बहुत सुना है गुरुजी के बारे में और अब हमारा तो ये हाल है कि हमारे को तो और कोई बात ही नहीं आती गुरुजी की बात के सिवाय. तो बैठे बैठ के उसको बताया ऐसे हैं गुरुजी ऐसे हैं. सुना सुन हफ्ते के बाद फिर दोबारा आया तो मुझे कहते कि मुझे तो गुरुजी का आप स्वरूप छोटा सा कुछ तो और मुझे बताओ क्या मैं करूं. तो उनको मैंने बोला कि आप ये ले जाओ, आप पूजा करते हैं अपनी, जो भी रामायण पढ़ते हैं जो भी और चीजें हैं साथ में इनको रखें और इनके आगे भी अरदास करो. सो ही डिड दैट. तो आज सुबह मुझे सुबह फोन आया और मुझे कहते हैं कि मैं कुछ बताना मांगता हूँ. मैंने कहा क्या हुआ. इसीज कि मुझे सपने में गुरुजी आए हैं और ऐसे ऐसे में सत्संग हो रहा है. और अभी एक दिन पहले मैंने उनको ऐसे ही बोला, मैंने कहा आप सत्संग जरूर अटेंड करें तब आपको महसूस होगा कि किस बात में ये गुरुजी की हम बात करते हैं. तो मुझे कहते सत्संग हो रहा है और ऐसे मैं जब गुरुजी के पास आगे गया तो उन्होंने मुझे इतना बड़ा लड्डू प्रसाद मेरे हाथ में दिया और इसे इसकी मुझे समझ नहीं आई, पर मैं इतना खुश हुआ कि जैसे पता नहीं मुझे क्या प्राप्त हो गया. तो जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे कहते पर अभी तो मैं एक महीना ही हुआ है कि मैंने गुरुजी को पूजना शुरू किया है. सो इसी फिर मैंने उसको मैंने बताया, मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, ये गुरुजी की ही मर्जी होती है. गुरुजी की मर्जी के बगैर कोई गुरुजी के पास वैसे भी आ नहीं सकता, ये तो पक्की बात है. कितने हैं जो उनसे इतना इतना जाप करते हैं सब कुछ करते हैं बट येट वो प्राप्ति फिर भी नहीं होती. पर ये तभी होती है जब गुरुजी चाहें. गुरुजी वांट्स यू ओनली देन. हम कहते हैं हमने गुरुजी को लिया है, हमने हम गुरुजी के पास,
नहीं, गुरु जी ने आपको लिया है, गुरु जी ही हैं जो अपनी संगत को इकट्ठी करते हैं। और पर एक बात जरूर है, गुरु जी चाहते भी हैं कि मेरी संगत बेस्ट टू बेस्ट होए, दूर से मेरी संगत नजर आए कि ये मेरे, ये इस गुरु की संगत है। तो कहने का मतलब ये है खाली कि हमारा खाली इतना ही फर्ज है कि जो भी प्राप्ति है, जैसे भी जिंदगी, जैसे वो दें, उसको अर्पण करें, उसको खुशी से लें, एंड वी शुड एंजॉय एवरी मोमेंट। मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ कि हमसे ज्यादा कोई और फॉर्चुनेट नहीं हो सकता जो उनसे गुरु जी के शरण में आए। हमको तो और बहुत छोटे छोटे सत्संग हैं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सत्संग आई वुड लाइक टू शेयर, एंड दैट सत्संग इज एक्चुअली रिगार्डिंग माय डॉटर। मेरी बेटी बाहर रहती है अमेरिका में, और वो एक कंपनी के लिए काम करती हैं। तो अबाउट एक साल दो साल पहले जिस कंपनी में वहां करती हैं, तो एज शी इज बहुत ही हार्ड वर्किंग बच्चा है, तो होता क्या है कि बॉस भी सबसे ज्यादा काम भी उसी को ही देता है जो काम करने वाला होता है। बट अनफॉर्चुनेटली एज शी हैज टू यंग डॉटर्स एंड हर हस्बैंड नॉट कीपिंग टू वेल गुड हेल्थ ऑल्सो एट द सेम टाइम, तो उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ा कि वो रात को 11 बजे उससे पहले घर नहीं आती थी। तो थोड़ी देर के बाद इसने बोला कि मॉम आई हैव टू चेंज माय जॉब। तो फॉर्चुनेटली इंटरनली कोई और एक वैकेंसी हुई, तो उसने वहां पे अप्लाई, अंदर ही सेम कंपनी में अप्लाई किया। तो उन्होंने भी अपना पूरा टाइम लिया सॉर्ट आउट करने के लिए एंड हाउ, जैसे जी उनके नॉर्म्स होते हैं। तो बॉस जो सी थी वो थोड़ी सी सख्त सी थी, तो अल्टीमेटली उन्होंने बोला कि चलो सब कुछ है, पर ना हमको लास्ट बॉस से आपके बारे में बात करनी पड़ेगी या जैसे भी। सो इट वॉज, आई स्टिल रिमेम्बर, इट वॉज अ फ्राइडे, इसकी मुझे फोन आई। नॉर्मली हमेशा मैं उसको हिम्मत देना, गुरुजी का बोलना कि गुरुजी साथ हैं, कोई बात नहीं, पर बच्चा है और इतनी लेट आना और बच्चों को देखभाल भी नहीं कर सकती ढंग से वैसे, तो मुझे कहने लगी कि आई थिंक आई एम गोइंग टू हैव अ ब्रेक डाउन मॉम। तो वो पहला दिन था कि जब मेरे को थोड़ा सा अंदर से ज्यादा फील हुआ और मैंने कहा नहीं, ये कुछ ज्यादा ही अब हो रहा है। तो मैं सुबह दूसरे दिन सैटरडे को बैठी गुरु जी के सामने और मैंने जैसे अपनी नॉर्मल उनके आगे अरदास करी, और मैंने खाली इतना ही बोला, मैंने कहा गुरु जी कुछ नहीं, खाली ये जो भी चीज है ना, ये आप ही खाली कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं, आप सब कुछ जानते हो, जैसे हम बोलते हैं बिन बोले सब कुछ जानता। मैंने ऐसी बात कही और आई लेफ्ट इट। नेक्स्ट डे बीइंग अ संडे, तो मैं फिर जब बैठी सुबह, दिया अगरबत्ती जलाई, अभी मैंने दिया जलाया ही था तो मेरे को अंदर से आवाज जैसे होती है एज इफ आनी शुरू हुई, और मेरे को लगा गुरु जी कह रहे हैं कि उन्होंने मिल गई है। तीन दफा उन्होंने मुझे ऐसे बोला, उन्होंने मिल गई है, तू बेशक आज ही सेलिब्रेट कर ले, गुरु जी पंजाबी में हमेशा बोलते। तो मैंने ऐसे ध्यान से लगा, मैंने सुना, तो मैंने कहा अच्छा गुरु जी, और मैं अपनी तरफ से बोलती हूँ मैं गुरु जी फिर इतना सत्संग रखांगी, क्यों जैसे होता है कि इन दिस थिंग। आफ्टर दैट द होल डे यू नो हिज साउंड, द साउंड वॉज गोइंग ऑन इन माई ईयर्स, एंड इन द इवनिंग समहाउ आई वेंट आउट टू सी फॉर अ कप ऑफ टी समवेयर, तो वहां पे देखा तो इतने मोर नाच रहे हैं, और मैं देख रही हूँ और मैं बोल रही हूँ अपनी कजिन की मेरे साथ, उसको मैंने बोला, मैंने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल सेलिब्रेशन। और अब मैं उसको ये बोला कि गुरुजी ने बोला कि तू आज ही सेलिब्रेट कर,
तो एनी हाउ केम बैक नेक्स्ट डे वॉज अ मंडे एंड मंडे हमारा और उनकी रात संडे की अब वो भी दिन पूरा निकलना था। फिर शाम के टाइम यहाँ पे एक सत्संग था तो मैं सत्संग पे गई। सत्संग पे बैठी तो फिर मुझे वही गुरु जी की आवाज जैसे होती है जैसे मुझे कह रहे हैं। और मैं जब रात को जब वापस आ रही घर तो मेरे लड़का जो गाड़ी चला रहा था बहुत पुराना है 28 साल पुराना मेरा घर का ही लड़का है। तो मैं अपने आप को रोक नहीं सकी और मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम्हें पता है कि दीदी को ना नौकरी मिल गई है। तो बिकॉज उसको सब मालूम है घर का सब जो भी हो रहा है। मुझे कहता है कि आपको किसने बोला? मैंने कहा मुझे ना गुरु जी ने बोला है। तो मुझे कहते कि आप तो कह रहे थे उसकी बॉस भी ठीक नहीं है और मुझसे और ऐसे वैसे। तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा बॉस कौन होती है, गुरु जी से आदि कोई कुछ नहीं होता। एंड यू वोंट बिलीव, मैं घर आई तो मैंने टाइम देखा, मैंने कहा अब वहां पे सुबह के 9 बजे होंगे, 10 सभी ऑफिस गई होगी। अभी मैं ये सोच ही रही थी एंड देयर आई सी टेलीफोन रिंग और मैंने उसका नाम पढ़ा तो मैंने एकदम से टेलीफोन उठाया। तो मैंने कहा मुझे जैसे गुरु जी ने पंजाबी में बोला कि उन्होंने मिल गई है, उन्होंने मिल गई है, उन्होंने मिल गई है। तो ये मुझे कहती है मॉम आई गॉट इट लाइक दिस। इसने जब ये बोला तो मेरे हाथ से तो फोन ही नीचे गिर गई और मैंने उठाई फिर दोबारा से। मैंने कहा ओ माय गॉड, मैंने कहा यू तो हैव गॉट इट बट यू डोंट नो व्हाट आई हैव गॉट। She said, what happened? I said, ये तो गुरु जी ने मुझे 2 दिन पहले ही बता दिया था। और आम तौर पे हम लोग जब ऐसा कुछ सुनते हैं हम सोचते हैं कि ये हमारा अपना पर्सनल दिमाग चल रहा है या हम इमेजिन कर रहे हैं, पर नहीं संगत जी, ये जो इनर वॉइस है इसके ऊपर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। ये इनर वॉइस में ही आपको सब आपके मैसेजेस मिलते हैं। और मैंने कहा ओह माय गॉड आई थिंक दिस वाज द बिगेस्ट गिफ्ट टाइम टेलिंग यू व्हाट ही कुड हैव एवर गिवन मी। एंड सिंस देन द न्यू जॉब द मोस्ट हेल्पफुल जॉब पीपल गोज जस्ट टू गो बैक होम बाय 3 o'clock 4 o'clock एंड एवरीथिंग स्टार्टेड वर्किंग नॉर्मली। सो बहुत ऐसी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जैसे मैं कह रही हूँ अपने इनर वॉइस। ऐसे ही हम लोग यहाँ लोकल लंगर सेवा एम्स के आगे हम लोग किया करते थे सारी संगत, मतलब हमारा ग्रुप है मिलकर। तो जब एक दिन सबसे ये लंगर सेवा की का दिन था तो मैंने 2 दिन बाहर जाना था, हैड टू गो टू दुबई। तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया कि भाई मैं अटेंड करूंगी या मैं कर सकती हूँ या नहीं। तो आई लेफ्ट इट टू द टिल द लास्ट मिनट एंड देन द डे ऑफ लंगर सेवा के लिए तो मेरी एक मीटिंग थी तो मेरे को वहां भी उसी टाइमिंग्स फुल थे, पहुंचना जरूरी था। पर जैसे फिर मैं बैठी गुरुजी के जैसे अगरबत्ती और फिर उनसे मेरे को थोड़ी सी सुनाई दिया और मुझे बोला पहले तू ना उठे जा। तो मैंने फिर ध्यान से सुना, मैंने कहा अच्छा जी। तो जब मैं उतरी मैं गाड़ी में बैठी और मैंने ड्राइवर को बोला, मैंने कहा पहले ना एम्स लेके चलो। तो मुझे कहते नहीं नहीं आपने तो टाइम उतर दिया हुआ है। आई सेड नहीं, तुम उधर पहले लेके चलो। तो व्हेन आई वेंट देयर एंड यू वोंट बिलीव दैट वाज वन टाइम लंगर सारा पर सेवादार जो हमारी लड़कियां जब आती थी देवर हार्डली एनीबॉडी, 2 बंदे थे उस टाइम पे। और जब मैं वहां पे पहुंची आप मानेंगे 1 घंटा वहां पे सेवा करी, सेवा दी। और फिर उसके बाद ये जिनको मैंने मिलना था उनकी फोन आई और मुझे कहने लगे जी आप किधर हैं। तो मैंने कहा क्या बोलूं मैं इनको, तो मैंने कहा मैं गुरुद्वारे में हूँ, मैं बस आ रही हूँ। ये बात खत्म हुई। ये नहीं पता था कि मुझे वहां पे लंगर भी खाना था और मैंने लड़के को भी लंगर दिया। और फिर उसके बाद फिर दोबारा फोन आई, कहने लगे जी आप अभी तक पहुंची नहीं।
फिर मैंने इतना बोला, मैंने कहा देखो जहाँ पे मैं अभी हूँ ये मेरी वेट नहीं कर सकते थे, आप मेरी वेट कर सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं, पर मैं अब चल रही हूँ यहाँ से और मैं आपके पास ओल्ड दिल्ली पहुंचना था। आप मानेंगे नहीं जी, एक सिंगल रेड लाइट रस्ते में नहीं मिली, कोई ट्रैफिक नहीं मिला, रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइम 15 मिनट में फ्रॉम एम्स टू ओल्ड दिल्ली आई रीच्ड। एंड व्हेन आई वॉक्ड अप अभी तो आपसे बात हो रही थी, तो मैंने कहने का मतलब ये है कि व्हेन यू हैव द राइट प्रायोरिटीज इन योर माइंड, गुरु जी इज अ प्रायोरिटी, सब कुछ सबसिक्वेंट है, कुछ उनके आगे नहीं, जहाँ गुरु जी है उसके बाद सब कुछ है। सो संगत जी हमेशा इस बात का भी ध्यान रखना कि अपनी प्रायोरिटीज को हमेशा राइट रखें, काम तो सब करने वाले वो सब होते हैं और सब होते ही रहेंगे गुरु जी की कृपा से, बस उनका जौन सा है ध्यान, उनकी तरफ ध्यान देना ही सबसे जरूरी है और कुछ दुनिया में मैटर नहीं करता, जब वो है तो आपके साथ पास सब कुछ है। सो ऐसे ही चीजें हैं और अगेन एंड अगेन आई ऑलवेज टेल एवरीबॉडी कि जस्ट हैव योर डायरेक्ट कनेक्शन विद योर गुरु एंड जस्ट एंजॉय हिम, और प्रायोरिटी शुड बी राइट, इंटेंट्स जो सी हैं वो इतनी प्योर होनी चाहिए कि कहीं पर भी इफ और बट ना आए। सो आई थिंक इट्स बीन सेड एंड लिटिल मोर, और आई थिंक आंटी हमारे पास टाइम है, अगर आप कुछ और भी सत्संग शेयर करना चाहें प्लीज आप कर सकते हैं। अच्छा जी, सत्संग तो छोटे छोटे इतने सारे वो हो जाते हैं, आई थिंक ओवरऑल बस यही है कि अभी पीछे थोड़ा सा और छोटा सा एक और सत्संग, जैसे एक साल पहले की बात है, अब तो साल ये वाला तो ऐसे ही गुजर गया है, पर मैं जा रही थी दुबई और मैंने सुना था कि दुबई में भी बहुत सत्संग एंड बहुत गुरुजी की संगत है, तो मैंने ऐसे दिल में मैंने बोला गुरुजी को, मैंने कहा गुरुजी सत दिन मैं उठे हाँ कम से कम एक सत्संग से मैं अटेंड करना मांगती हूँ स्वाडा, तो इतना ही मैंने बोला। और फिर उसके बाद आई वाज ट्राइंग टू फाइंड के भाई हु आर द पीपल देयर जिनके मैं जा सकती हूँ या ऐसे, पर मेरे रात जाने से पहले ही मुझे कॉल आई और मेरी नीस ने की जान पहचान की थी, तो उन्होंने बोला कि आंटी आप आ रही हैं तो आप ऐसे ऐसे हमें कांटेक्ट करना। आप मानेंगे नहीं, मैं वहां पे पहुंची, शाम को पहुंची, नेक्स्ट डे मॉर्निंग द फर्स्ट सत्संग दैट आई जो मैंने वहां पे अटेंड किया, और उसके बाद 7 दिन में 6 सत्संग अटेंड करे। गई मैं थी वहां पर, मेरी एग्जीबिशन थी, आई थिंक एग्जीबिशन तो गुरुजी ने एक बहाना ही बनाया था, तो हुई एग्जीबिशन, एवरीथिंग वाज गुड, पर उसके बाद सब कुछ अंदर, पर ओनली सत्संग्स वर टू बी सीन, और इतनी संगत से मुलाकात हुई। मैं कहती हूँ उधर भी खड़े होके गुरु जी जो मुंह से कहलवाते हैं, ये दूसरी एक और बात जो मैंने देखी है, और विच इज 100% कि यू आर नोबडी व्हेन यू आर इन गुरु जी दरबार और यू आर इन गुरु जी सत्संग, इट इज नॉट यू हू स्पीक, इट इज हिम जो आपसे जो बात कहलवाना मांगते हैं वो बातें आपसे कहलवाते हैं, और तुम खुद भी इतनी हैरान रह जाती हैं कि ये ऐसा कैसे गुरु जी ने इतना कुछ खिलवा दिया। सो ये एक इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस था मेरा, और इतना मेरा मतलब कहने का कि
ये इतना इतनी इज्जत, इतना मान कि मैं तो वहां पे एक सत्संग पे गई तो मैं तो रोना ही बनना हो और मैं बोलूं गुरु जी बस शुक्र है तुम्हारा। सो ये बात है कि हर छोटी सी छोटी बात आपकी वो पूरी करना करते हैं, पर हमको उनके लिए बहुत कुछ करना है। We have to reach to his expectations to be a good human being. He only believed in humanity. उनके आगे कोई रिलीजन, कोई कास्ट, कुछ नहीं, only humanity. और अगर हम इसको फॉलो करें, I think our Guruji is going to be the happiest. So, Guruji ki Sankat ji, I think I will take leave. And Guruji ka bahut 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 shukrana, itna shukrana, it's beyond words. Thank you very much.